दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति यानी अपनी डिप्लोमेसी को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी देश के साथ सालों के संबंध पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत का कोई भी जवाब नहीं, और कूटनीति के मामले में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब जापान ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने ये साबित कर दी है कि डिप्लोमेसी के मामले में जापान भी कुछ कम नहीं है। जापान भारत के कुछ सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक है। दोनों देशों के संबंध साल 1960 से पहले ही शुरू हुए थे और अभी तक लगातार विकसित ही होते रहे हैं। ऐसे में जब जापान ने ऐलान किया कि भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री नहीं आएंगे, तब इस बात की चर्चा बढ़ गई कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अब जापान पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाएगा और हो सकता है कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़े मनमुटाव भी आ जाए। लेकिन दोस्तों, जापान ने जिस तरह के कदम उठाते हुए भारत को एक बार फिर से खुद पर भरोसा दिलाया कि यूक्रेन युद्ध अलग है और हमारी दोस्ती अलग है, वह देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, G20 की मीटिंग में अपने विदेश मंत्री को ना भेजने का ऐलान करने के बाद ही जापान ने भारत को 2200 करोड़ रुपए की एक बड़ी सौगात दे दी है, जिसके तहत जापान भारत के दो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में पूरी तरह निवेश करने को तैयार है। और ये प्रोजेक्ट भारत की आर्थिक राजधानी और मिजोरम से जुड़े हुए हैं, जिनके तहत जापान मुंबई में बनाए जा रहे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट में लगभग 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो वहीं पर मिजोरम में बनाए जा रहे सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के लिए 560 करोड़ की फंडिंग देने के लिए भी तैयार है। यानी जहां एक तरफ जापान यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर तेजी से दबाव बना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निवेश कर रहा है, ताकि इन दोनों मुद्दों को अलग रखा जा सके। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई और नवी मुंबई को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करेंगे और ट्रैफिक भी कम लगेगा, यानी इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और भी तेज गति मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ मिजोरम में बनाया जा रहा सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर कैंसर से लड़ने और इसके खिलाफ ट्रीटमेंट और डिटेक्शन को तेज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका फायदा लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलेगा। वहीं पर 2200 करोड़ की फंडिंग कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और अगर जापान भारत के अंदर इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि इसके पीछे दोनों देशों के मजबूत डिप्लोमेटिक साझेदारी का ही हाथ है। साथ ही बता दें, आर्थिक स्तर के अलावा सैन्य स्तर पर भी भारत और जापान तेजी से खुद को मजबूत कर रहे हैं, ताकि बिना नाम लिए चीन के खिलाफ दोनों ही देश अपनी तैयारी मजबूत कर पाए, जिसके तहत 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जापान में भारत और जापान की सेना एक्सरसाइज धर्म गार्डियन को अंजाम देगी। बता दें कि ये एक्सरसाइज इस सीरीज का चौथा एडिशन है, यानी अभी तक ऐसे 3 और एक्सरसाइज हो चुके हैं। साथ ही 1 से लेकर 2 मार्च के बीच भारत और जापान की वायुसेना भी एक महत्वपूर्ण सैन्य युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दूसरे एसेट शामिल होंगे, जो भारत और जापान की सैन्य साझेदारी को काफी मजबूत बना देगा। ऐसे में जापान की तरफ से आया बड़ा इन्वेस्टमेंट और सैन्य युद्धाभ्यास ये बात साफ कर देता है कि यूक्रेन और G20 का मुद्दा एक तरफ है और भारत और जापान की दोस्ती दूसरी तरफ है। इसी बीच जहां एक तरफ अब ये बात साफ हो चुकी है कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री नहीं आएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ तो रूस और भारत के विदेश मंत्री इसी मीटिंग में यूक्रेन में हो रही घटनाओं को डिस्कस करने के लिए हामी भर चुके हैं। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाएगी कि कैसे भारत और रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर डिस्कशन अभी भी जारी रखा है, ताकि सीज फायर या फिर एक शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ा जा सके। हालांकि इस मीटिंग के दौरान भारत और रूस के विदेश मंत्री काफी सारे वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें G20, ग्लोबल इकोनॉमी और वैश्विक स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें भारत और रूस के विदेश मंत्री की इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करे या फिर कोई ऐसी बात कहे जिससे हमें इशारा हो शायद कुछ समय में यूक्रेन युद्ध की स्थिति में बदलाव आ सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है। वहीं पर रूस ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि वह भारत की G20 प्रेसिडेंसी को अपना पूरा समर्थन देते हैं, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और अखंडता लाने की क्षमता रखता है, जिससे हम बड़े से बड़े वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये देखना अब काफी रोचक होगा कि यूक्रेन युद्ध का मसला भारत पर कितना डिप्लोमेटिक दबाव बनाता है और भारत इससे निकलकर अपने इंटरेस्ट कैसे हासिल करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे मुश्किल वक्त में भी भारत की शानदार डिप्लोमेसी के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।